हाँ शेरी, मैंने ही वहाज को भेजा था क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि महक अपने गंदे इरादों में कामयाब हो। लेकिन मुझे नहीं पता था जफर भाई का दिल इतना सख्त हो गया है। अपने हाथों में पले बच्चे की वो बात नहीं समझ के। हम सब तो जानते हैं शिफा और वहाज एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हैं, बचपन से एक दूसरे के दीवाने, पर हम कौन होते हैं कि हम उन्हें अलग करें। लेकिन भाभी, इस वक्त ये कैसे मुमकिन है? जफर ने जो सुलूक वहाज के साथ किया है ना, उसके बाद तो मैं अपने बच्चे को ना अपना मुंह दिखाने के भी लायक नहीं रही हूँ। और आपने मौसम देखा है, शाम से इतनी बारिश हो रही है। भाभी, मेरा बच्चा, मेरा वाज बीमार पड़ जाएगा। आप प्लीज उसे वापस बुला लें, उसे उसे ले जाए यहाँ से। मेरा बेटा इतना कमजोर नहीं है जी, वो बहुत मजबूत है, अपने इरादे पर डटा रहेगा। और तुम देख लेना, वो अपनी मोहब्बत को वापस लेकर आएगा। हर शीने, अब इम्तिहान तुम्हारा है। मेरा? भाभी मैं क्या कर सकती हूँ? मेरा दिल जितना जितना अपनी बेटी के लिए तड़पता है ना, उतना ही वहाज के लिए भी तड़पता है। लेकिन इस वक्त जफर कुछ सुनने के हक में नहीं है, क्या करूं मैं बताए? देखो शीरी, मैंने अपनी मोहब्बत, रफाकत, खिदमत सब कुछ दांव पर लगाकर वहाज को वहां भेज दी। ये भी नहीं सोचा कि जब मेरे शौहर को सच्चाई मालूम होगी तो उनका क्या बर्ताव होगा। शेरी, जो मुझे करना था वो मैंने कर लिया। तुम चाहो तो अपनी बेटी की खुशी का सोच सकती हो, बजाय कि अपने शौहर की बेजा जिद के आगे अपनी बेटी की खुशियों को कुर्बान करो। बस मैंने तो अपना फर्ज अदा कर दिया ना शीरी, अब तुमने अपना फर्ज अदा करना है। और मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि मेरा बेटा कभी भी तुम्हारी बेटी की आंखों में एक आंसू नहीं आने देगा। शीनी से बात करिए। भाभी जी, मैं शीनी से बात कर रही थी। क्या बात कर रही थी? मैं उसे यही बता रही थी कि वो समझा रही थी उसको। यही तो पूछ रहा हूँ कि क्या समझाने की कोशिश कर रही थी आप? मैं उसे यही समझा रही थी कि वो वही करे जो उसका शौहर कह रहा है, इसी में सबकी भलाई है। इसी बात की उम्मीद थी मुझे आपसे। मेरी तरफ से भी समझाइएगा उसे, बहुत मुश्किल वक्त है, उसे मजीद मुश्किल ना बनाए। शिफा बहुत अच्छी बच्ची है, समझदार है, दिल जीतना जानती है। किसी अच्छी जगह पर रिश्ता करे और उसका घर बसा दे। सब कुछ ठीक हो जाए। मौसम काफी खराब है, अल्लाह खैरी करे। और हाँ, कल रजा की बरसी है, उसके सारे इंतजाम देख लीजिए।